जनकार बाह्य पता बम शेख देव राजा ने कने अवतार पाड़ना बाह्य चरी कोबरा चरी शांता मदी बाई खरा दरे मुला दरे अमृत दरे दरे महादरे ला नाद वाले ना। मेरा नाम विजय सदाशिव मसे है और मैं पद्मश्री जीवा समा मसे का पोता हूँ। जब दादाजी को शिल्प गुरु अवार्ड मिला था तब उन्होंने एक साल के लिए यहाँ पे बच्चों को सिखाने का स्कूल रखा था, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। मतलब लगभग 17 बच्चे उसमें शामिल थे, उसमें से 4-5 लड़कियां थी, तो लड़कियों में से 3 लड़कियां अभी भी करती है और जो स्टूडेंट थे उसमें से ज्यादा नहीं, ज्यादातर लोग नहीं करते थे। भाई विष्णु भगवान दरका मदी वे रानी भाई ब्रह्म जाने दरका नाद वाल ना रानी भाई 64 में के ब्रह्म ने ये जो है ये महादेव है। अच्छा, और महादेव है। हाँ, अच्छा। और जो मानव की जो मतलब अगली पीढ़ी बचाने के लिए उन्होंने लौकी के इसमें एक औरत को मतलब संभाला है। हाँ, और उसी तरह से हर एक जानवर या ये इसका एक एक बीज मतलब वो उसमें, और ये गंगा गौरी है महादेव की पत्नी। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चित्रता सान्याल। जोहार जिंदगी, इस शो में हम आपका परिचय करवाएंगे आदिवासी संस्कृति, उनके संगीत, उनके गीत और उनके हुनर से। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक छोटे से गांव में। यहां बसते हैं वारली आदिवासी समुदाय के लोग। आप समझ ही गए होंगे हम आज बात करेंगे वारली चित्रकारिता या वारली पेंटिंग। वारली आदिवासी समुदाय में एक कहानी प्रचलित है कि महादेव और गंगा गौरी ने मिलकर धरती का निर्माण किया था। इसके साथ ही जब धरती पर प्रलय आई तो महादेव ने एक मर्द और एक औरत के साथ साथ सभी जीवों और वनस्पति का बीज एक कमंडल में सुरक्षित कर लिया था। इस कहानी को विजय सदाशिव वारली पेंटिंग में उकेर रहे हैं। गोबर से लीपकर गेरू से रंगी गई दीवारों पर चावल के आटे से बने सफेद रंग से बनाए जाने वाले इन चित्रों में वारली आदिवासी समुदाय की जीवन शैली और दर्शन दोनों ही मिलता है। उनके सामाजिक धार्मिक आस्थाओं से लेकर प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में उनके धारणाएं, सब कुछ इन चित्रों में आप देख सकते हैं। एक समय ब्याह शादी और हर त्योहार पर वारली आदिवासियों के घरों के दीवारों पर ये चित्र बनाए जाते थे, लेकिन अब त्योहारों पर चित्र बनाने का काम कम हो रहा है। हाँ, शादी के घरों में दीवारों पर ये चित्र अनिवार्य तौर पर बनाए जाते हैं। आजकल अभी होता है, लेकिन कैसे जिस घर में कहीं शादी होती है तो वो उसी समय में करते हैं। उसमें सब लेडीज और बच्चे एक साथ मिलके वो शादी वाला घर को सजा देते हैं, लेकिन ऐसे मतलब कैसे जैसे त्योहारों में ऐसे नहीं बनाते, पहले बनाते थे लेकिन अभी नहीं बनाते। वारली आदिवासी समुदाय के घरों के दीवारों से गायब होती ये परंपरागत पेंटिंग कैनवस पर उतरने लगी है। कोंकण के इलाके में पैदा हुई और फली फूली ये कला धीरे धीरे पहले देश और फिर विदेश में भी अपना नाम बनाने में कामयाब रही। वारली पेंटिंग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जीवा सोमा महसे को दिया जाता है।
1970 के दशक में उन्होंने इस पेंटिंग को कैनवस पर उतारने की शुरुआत की थी। उन्हें वार्ली कला के सेवा के लिए साल 2011 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें साल 1976 में आदिवासी कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, साल 2002 शिल्प गुरु का राष्ट्रीय पुरस्कार, साल 2009 प्रिंस क्लॉज अवार्ड बेल्जियम के लिए रानी द्वारा प्रदान किया गया। साल 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारे कल्चर के जो लोग हैं उनको ये पता है मतलब क्या है, लेकिन उनको घर चलाने के लिए मतलब पर डे इनकम चाहिए और इसमें जो है उसको उसमें रुकना पड़ता है, मतलब वेट करना पड़ता है, कहीं जाएंगे कस्टमर आएंगे तो ही बेचेगा ये। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब घर चलाने के लिए खर्चा नहीं रहता तो वो इसको छोड़कर मतलब रोज़ जो दूसरे काम में व्यस्त होते हैं। हाँ, हमारे इसमें ज़्यादातर लोग मतलब कैसे खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो खेती वो भी खुद के लिए ही करते हैं और जो मेन इनकम का जो स्थान है उसके लिए ज़्यादातर लोग अभी कंपनी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और ये इसमें जिसको इंटरेस्ट है वही लोग इसमें आ रहे हैं। विजय सदाशिव महसे की ये पेंटिंग देखिए कितना बारीक काम है। इस पेंटिंग को देखते ही आदमी मुग्ध हो जाता है। इस पेंटिंग की खूबसूरती और कलाकार की कल्पना और मेहनत के अलावा इस पेंटिंग की एक और खास बात है। इस पेंटिंग में वार्ली आदिवासी समुदाय की सामाजिक बनावट रिकॉर्ड है। ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि ज्यादातर आदिवासी भाषाओं की स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन उनकी चित्रकारी में उनकी सामाजिक धार्मिक अवधारणाओं या मान्यताओं के अलावा आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है। सरकार को मतलब इस कला की ओर ध्यान देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए आर्टिस्ट लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग काम करें और इसका मार्केटिंग के लिए भी सरकार ने प्रयास करना चाहिए, तो मतलब इनकम होगा तो अपने आप उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। भाई सच पाड़ा नशा गवड़ा मदीना रानी भाई नद वाले वालना भाई सच पाड़ा नशा गवड़ा झाड़ी देवपुरी देवला नद वाले वालना रानी आया तुझा गळा माझे झलकार नाद वाळ रे वळणार बाई सनाटा वाळ वळणार ये रे मन भगवान रे भगवान बाई नाद वाळ रे वळणार भाई शंकर भगवान पार्वती माता भाई दोनी देवता दोनी कीर्ता भाई धवले गिरा रे भगवान धवले गिरला शंकर भगवान आन पार्वती माता हे देवा दोनी देवता दोनी कीर्ता अरे देवा तेने मजे सवाश्या बोला सवाश्या शेळे सवाश्या मेंढे हन मजे कायता नही शंकर भगवान मावऱ्या बिशी चार रे भगवान वो हमारे शादी में वारली समाज की शादी में वो शादी में ये पेंटिंग जरूर लगता है तो उससे हम सीख जाते हैं। वो हमारे लेडीज लोग हैं ना वो सवासिन बोलते हैं वो निकालते हैं उससे उसके साथ हम भी जाते हैं तो उससे हिसाब से हम कला अपने आप आ जाते हैं।
कबल्या गाई मोरा वासरा मोरा पारडा भगवान म्हणजे काय तानी एकले पुराणी पार्वती माता बाई होती सकाळे उठी शेणपाने झाडती काय तानी दळाकांडा करती माऊली पाणी बनता। वाली पेंटिंग आज बेशक दुनिया भर में पहचान बना चुकी है, लेकिन इस कला के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। मसलन जीवा सोमा महसे चाहते थे कि उनके इलाके के लोग इस पेंटिंग को जारी रखें, इसे और लोकप्रिय बनाएं और हो सके तो इस कला से रोटी भी कमाएं और एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करें। उन्होंने आदिवासी किसानों की परंपरागत चित्रों को दुनिया के पटल पर ला दिया था, लेकिन नून तेल लकड़ी की लड़ाई में उलझे समुदाय के लोग ही अब अपनी इस परंपरा को भूलते दिखाई देते हैं। पेंटिंग पे ही रहेगा तो उसका घर नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट अभी जैसे कलाकार भी है ज़्यादा, जिसका दिल्ली में या बॉम्बे में किसी का होगा पहचान वाला तो खरीद में लेगा वो उसके साथ हिसाब से, लेकिन जिसको कोई पहचानता नहीं उसका मार्केट ही नहीं है। तो फिर वो जब भी शादी का सीजन होगा तो शादी में जैसे हमने दिखाया वो बनाते हैं, उसी के हिसाब से वो तो दिन का 1,000-2,000 रुपया मिलता है, उसी के हिसाब से वो जब वही काम मिलेगा तो एक दिन वो करेगा, बाद में दूसरा काम करेगा। वाली पेंटिंग के सामने काफी सारी मुश्किलें भी हैं। फिलहाल कोई ऐसा बड़ा कलाकार नहीं है जिसके नाम पर इस पेंटिंग को जरूरी पुश मिल सके। सरकार की उदासीनता की बात करनी बेमानी है, लेकिन इस माहौल में भी उम्मीद बाकी है। बाये पता बम से देव राजा ने करे उतारे पाड़ना रानी।